समाज में किसी एक ऐसी व्यक्ति के बारे में बात करना चाहूँगा जो वैसे तो दार्शनिक है पर इतना महान व्यक्ति हैं, इतना महान व्यक्तित्व है उनमें, और उनको मैं क्या बोलूँ, गुरुदेव बोलूँ, टीचर बोलूँ, आचार्य बोलूँ, जो भी कुछ बोलूँ, वो सब उनमें फिट बैठता है। क्यों मैं बता दूंगा, बाद में बताता हूँ। तो उनका नाम है सबसे, मतलब मैं क्या बोलूँ, श्रद्धा से मैं उनको देखता हूँ बहुत ही ज़्यादा। तो उनका नाम है दार्शनिक प्रेमजीत शिरोही। आप ULM हिंदी करके अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, या ULM बंगला या ULM का जो भी है वहाँ आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। उनका वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, अगर आप उनका वेबसाइट भी है जैसे यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट ULM शॉर्ट फॉर्म, तो वो आप ऐसे करके, वेबसाइट भी है उनका और फेसबुक पर उनका पेज भी है, तो वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हैं। तो जो भी है, मैं उनके बारे में मतलब मैं वहाँ तक क्यों कैसे पहुँचा, मैं अपना कुछ चीज़ें बताऊँगा और मैं क्यों ये ढूंढने का प्रयास किया कि असल में वास्तव क्या है। तो अध्यात्म की फील्ड में मेरा जर्नी क्यों रहा, उसका बहुत सारा कारण है, और पहले ये चीज़ नहीं बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम ये जो दार्शनिक है इनकी तरफ हम क्यों जाएं। आपको मैं बता दूं कि मैं तो पहले इनका विरोध करता था, और इतना भयंकर विरोध करता था कि मैं आपको बता नहीं सकता, जबरदस्त विरोध करता था, और अभी भी उनको बहुत लोग करे होंगे। और ऐसा नहीं है कि मेरा कोई स्वार्थ उसमें जुड़ा हुआ है, तो मैं उनके बारे में ऐसे करके मुझे कुछ बोल दिया गया और मैं फिर स्वार्थ के चक्कर में कुछ लालच दे दिया गया, मैं उसके चक्कर में आपको ये बता रहा हूँ। तो ऐसा बात नहीं है, क्योंकि जो सत्य है, सत्य है, उसके साथ देना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। तो वो मैं बताता हूँ क्यों मैं उनके साथ मतलब चला गया ऐसे करके, क्योंकि उन्होंने पहली बात तो ये है कि मूल्य आधारित जो समाज है उस मूल्य को ही उन्होंने खत्म करने का काम किया, जिसके कारण से मतलब जो जड़ हैं सब कारण का, ठीक है ना, मतलब वो जड़ हैं सब, मतलब चीजों का कारण है वो चीज मूल्य। तो उस मूल्य को अगर उखाड़ फेंक दिया जाए और फिर समाज को एक ऐसी व्यवस्था दे दिया जाए जिन जिनसे हर एक व्यक्ति खुशी हो, खुशी में जी सके, जितने भी सारे समाज में अभी दिखाने की जो भी या देखने की जो भी अभी परंपरा बन चुका है, ये सूक्ष्म से सूक्ष्म अहंकार के कारण आता है। तो वो सारे की सारी चीज, और क्या बोलूँ, जैसे चोर, डाकू, गुंडा, बदमाश, भ्रष्टाचार, और काम में चू काम करने में अरुचि, या आप मतलब काम करने में इच्छा नहीं है, ठीक है, और अतिरिक्त कुछ चीज़ को हम चाहने लगते हैं, पाने लगते हैं, और फिर हम अतिरिक्त जो चाह है उसके कारण हम अपने
वस्तु को पैसा के रूप में अपने पास जमा करते हैं, या उस पैसों से ही कहीं जगह कोई जिसको आप हार्ड मनी मनी भी कह सकते हैं, हार्ड मनी इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए कोई ज़मीन खरीद लिया किसी ने, या आपको प्लॉट खरीद लिया, या फिर कोई मकान मतलब वहाँ इन्वेस्ट किया, अब बाद में जा कर के वो अगर बेचेगा तो वहाँ से मिलेगा, तो वो हार्ड मनी है, वो भी संचित ही है। कोई बड़ा फैक्ट्री लगा लिया ऐसा करके, तो फिर आदमी में ये चीज़ आ जाता है कि आदमी तो ऐसा करते करते जब, और फिर आप देखेंगे कि व्यक्ति में ज़्यादा हिंसा होता है, ये पैसों को लेकर के ही तो होता है कि पता नहीं मेरा भविष्य कैसे मैं सुधारूं। हाँ, व्यक्ति सब भविष्य में भविष्य के डर में जी रहा है, तो जो ये जो अतिरिक्त मतलब अब डर डर में व्यक्ति क्या करेगा अब जब मिलेगा नहीं, है ना, कि बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या पता अपने पास और मतलब इकट्ठा करते जाओ। तो ये जो टेंडेंसी है ये रहता है, ये आप देखेंगे तो मतलब आप प्राणियों में भी पाएंगे। तो देखिए, जितना हो सके हम ऐसी व्यवस्था दे दें जहाँ ये मतलब सुरक्षित हो जाए, भविष्य के बारे में उतना सोचना ना पड़े। ये हमें ये सब में फंसा करके किन्होंने रखा, क्यों हुआ, मैं बताता हूँ आगे। तो जैसे आदमी है ना कि कोई प्रसिद्धि पाना चाहता है ज़्यादा, और प्रसिद्धि से क्या मिलेगा, अंततः यह मिलेगा कि उनको एक अटेंशन मिलेगा, और अटेंशन से फिर क्या मिलेगा, वो अटेंशन से यूँ मिलेगा क्योंकि जिससे फिर डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली कुछ ऐसा कमाई हो जाता है जो शरीर को ही मद्देनजर मतलब शरीर को ही केंद्र में रख कर के शरीर की सुरक्षा करने के लिए काफ़ी है, भविष्य में वो चीज मतलब काम आएगा, या शरीर को ही वो घूम फिर करके शरीर को ही चाहिए, पर अतिरिक्त लोग अटेंशन ये सब इसीलिए हो गया है क्योंकि जैसे कि अब आगे क्या होगा वो डर के मारे वो सब संचित करता जाता है, तो ये भी एक संचित के माध्यम ही है कि लोगों का अटेंशन गेन किया जाए और अपना नाम शोहरत जो पहचान है ये सब बढ़ाते जाना है। इसके लिए व्यक्ति अपने ओर से भरपूर प्रयास करते हैं, तो मैं बाद में बताऊंगा कि एक्चुअल धर्म क्या होता है। फिर धर्म तो होता है, मैं भी कृष्ण भगवान के प्रेमी हूँ, पर जिस तरीके से उनको पेश किया जाता है शायद उसमें मैं आपको बताऊंगा, उस बारे में मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। तो जो है कि व्यक्ति इतने डर में जी रहा है, अब जितने भी सारे ये सारे चीज़ जो हैं समाज की जड़ता है। अब देखिए, अगर आप देखेंगे कि समाज में मतलब कितने प्रतिशत लोग हैं जो उच्च वर्ग से आते हैं मतलब अमीर हैं, अब इससे पहले मैं बता दूं जो गुलाम है वो तो खुशी रहेगा नहीं, और जो गुलाम बना रहा है मालिक गुलाम बना रहा है वो भी गुलामी ही कर रहा है घूम फिर करके, तो वो भी शांति में नहीं रहेगा। वो अब मैं बताऊंगा, या फिर आप खुद से सोचिए कि ऐसा है। और फिर अगर आप देखेंगे कि 10% जो हैं वो
पूरा दुनिया भर के 10% जो है सबसे अमीर आदमी है, उससे नीचे का 15% थोड़ा मध्यम वर्ग में आता है, मतलब उच्च मध्यम वर्ग में आता है। ऐसे करके करते करते आप देखेंगे कि ज़्यादातर संख्या, खास करके भारतवर्ष में तो इसका संख्या और यूरोप में, अफ्रीका में इसका संख्या तो बहुत ही ज़्यादा है। अफ्रीका में तो और ज़्यादा है, भारत में तो है ही है। तो भारत का जैसे है कि 140 करोड़ जनता है, उसमें अगर आप देखेंगे कि मतलब 140 करोड़ में लगभग लगभग 80 करोड़ के आसपास गरीबी हैं, बिल्कुल गरीब हैं, या नहीं भी हो 60-70 करोड़ तो होंगे ही। अब देखिए इन सब में ज़्यादा ही होगा, मैं तो ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, अगर आप डेटा उठाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो लगभग 10 करोड़ भी नहीं, 1 करोड़ सबसे अमीर हैं, 1 करोड़ जनता भारत के, और उनके पास लगभग भारत के जीडीपी का मतलब 70% है, 70% जीडीपी, समझ रहे हैं। बाकी जो 90% है उसमें 30% जीडीपी का मतलब हिस्सा रखता है, और ये भी क्या पता, ये भी मतलब अब इसमें से थोड़ा जो मध्यम वर्ग में आता है वो तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें चला जाएगा, बाकी जो जितने भी सारे 80-90 करोड़ हैं, सोचिए उनका क्या हाल है। ये है भारत का एक्चुअल, और भारत नहीं पूरा दुनिया भर का यही है, भारत में थोड़ा ज़्यादा है। अब डेवलप्ड कंट्री में अगर जाएंगे तो वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, फिर भी वहाँ समस्याएं तो है ही, क्योंकि देखिए जब तक पैसा रहेगा ये सब रहेगा। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो पैसा का जो चक्कर है अपनी व्यवस्था में, व्यवस्था के नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, संपूर्ण समाधान व्यवस्था, तो संपूर्ण समाधान जो दर्शन है, जो व्यवस्था है, अगर संपूर्ण समाधान करके किताब है, आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, या आप चाहें तो इसका पीडीएफ भी उनके चैनल पर उपलब्ध है, या ऑडियो आप सुन सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि व्यवस्था से मुद्रा ही हटा दिए, जो मूल्य को पोषित करता है, वही सब कुछ का जड़ है, तो उन्होंने जड़ को ही हटा दिया। अब तो मैं उस बारे में आऊँगा, इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, कभी दूसरे वीडियो में उस बारे में चर्चा करेंगे कोई एक विषय के ऊपर, पर अभी मैं बताता हूँ मैं किस तरीके से इनके तरफ आया। देखिए बचपन में मैं, एक तो मेरा उतना सारा फ्रेंड सर्किल भी उतना सारा नहीं था, बचपन से ही मैं अकेले रहना पसंद करता था, और क्यों पसंद करता था इसका मजबूरी भी था, मैं जो जो कि अभी से देख पा रहा हूँ क्यों मैं तब अकेला रहना पसंद करता था, क्योंकि मान लीजिए कोई भी खेल कूद में मैं गया, वहाँ भी कंपटीशन का सामना, प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता था। अब मैं चाहता हूँ, मान लीजिए मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, उसमें मैं चाहता हूँ कि मैं मुझे भी बैट करने का मौका दिया जाए, बॉल करने का मौका दिया जाए, और वो लोग क्या करते हैं, खुद ही में आपस में वो कर लेते हैं, और जो थोड़ा कमज़ोर हैं उसको दिया नहीं जाता है, बल्कि इतना भी कमज़ोर नहीं था कि वो दें, पर उनका हक है, मतलब उतना ताकत है, बड़े थे, और फिर वहाँ प्रतिस्पर्धा में भाग लेना पड़ेगा, क्योंकि कुछ अच्छा परफॉर्मिंग करके दिखाना पड़ेगा, फिर जा करके चांस मिलेगा। वो ये भी एक मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा वो लगा, छोटा था बिल्कुल तब की बात है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जो
और मैं क्या बताऊँ, मैं शरीर के तल पर भी उतना, मतलब शरीर भी मेरा उतना स्ट्रांग नहीं है, पर उतना नहीं है क्योंकि बचपन में मेरा वो निमोनिया हो गया था, तो बहुत सारे एलोपैथी जो ट्रीटमेंट मेरे ऊपर आज से तो बहुत साल पहले वो ट्रीटमेंट मेरा चला, फिर होम्योपैथी में आए, तो शरीर का थोड़ा वो हो गया, मतलब हर 1 महीने के अंतराल में मेरा होता रहा वो इंजेक्शन वगैरह ये सब देने का काम, पर अभी नहीं होता है, अभी बिल्कुल नहीं होता है ऐसा नहीं कहूँगा, पर अब होता नहीं है जो भी है, क्योंकि मैं थोड़ा ये मेहनत मेहनत करने करके मेरा वो अभी कम ही हो गया है। तो जो भी है, मैं थोड़ा उस टाइम अपने डिप्रेशन के चलते और फैमिली भी बहुत सारे कारण था, मेरा पापा थोड़ा वो पीते थे, मतलब पिया करते थे ज़्यादा, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा नहीं था, तो जो भी है उसके चलते मैं बहुत उस समय ऐसे डिप्रेस्ड होने लगा, फिर धीरे धीरे जब बड़े बड़े होने लगा तो मैं सोचता था, जो बचपन में भी सोचता था पर उस जिस तल में मैं था उस तल में सोचता था, जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उस टाइम मुझे कोई चीज़ जब सताता था तो वो चीज़ मैं डीप एनालाइज करना चाहता था, इसलिए मैं कोई एक चीज़ में खो जाता था तो खो ही जाता था, मतलब ऐसे उस चीज़ में ही खो जाता था, अच्छे से उसको समझने का प्रयास करता था, अपने मन को किस तरीके से उस चीज़ से छुटकारा मिले, क्योंकि उस चीज़ समझूंगा तभी वो चीज़ छूटेगा, ये चीज़ मुझे तब भी मतलब तभी पता चल गया था और वो मैं करता भी था, पर वो उतना स्पष्ट जवाब नहीं मिलता था क्योंकि ना ही मेरा उतना सब चीज़ के बारे में उतना ज्ञान था और ना ही मैं उतना लोगों के साथ मिलता जुलता था, क्योंकि वो जो जो जिस चीज़ से मैं समझूंगा, जिस व्यवहार से मैं समझूंगा लोगों का, वो डेटा मेरे पास कम था, तो इसके चलते मैं उसको सटीक से एनालाइज नहीं कर पाया, तो जैसे ही है, पर फिर थोड़ा और बड़ा हुआ तो इधर उधर घूमने, मतलब फ्रेंड सर्कल मेरा थोड़ा बढ़ाने का प्रयास किया, तो फिर ऐसे ऐसे करते करते फिर बहुत मतलब अंदर से बहुत तोड़ता गया, पर तोड़ता गया और हताश भी होने लगा, और एक्चुअली ये जो हताशा है ना, ये भी अहंकार से ही निकलता है कि आप कोई चीज़ समझने के लिए तैयार नहीं है, या फिर कोई चीज़ आपको स्पष्टता नहीं है, या फिर किसी चीज़ को पकड़े हुए हैं और आप मतलब क्या बोलूँ, मतलब आप अपने आप को मतलब खुद को मतलब क्या बोलते हैं ना, खुद को स्वीकार करना, ये नहीं था, तो ये तो खुद को स्वीकार करना ये भी अहंकार से ही है, तो ये नहीं था, पर जो भी है, पर खुद को स्वीकार फिर क्यों करूं, ऐसे करके बहुत सारे सवाल तब उठता था, तो ऐसे ऐसे ये सब करते करते मैं जब फिर उनके साथ परिचय हुआ मेरा, शुरू में मैंने मतलब वो क्या नाम था उनका, उनका नाम डिजिटल बाबा करके, वहाँ आप सर्च करेंगे तो आपको उनके बारे में पता चल जाएगा, तो आज से बहुत साल पहले मैं थोड़ा इस्कॉन मतलब कभी इस्कॉन का कोई प्रभु का प्रवचन सुन लिया, तो फिर ऐसे करते करते कभी किसी गुरु का सुन लिया, ऐसे करते करते मैं स्वामी रामशंकर नाम है उनका, और डिजिटल बाबा करके करके उनका ख्याति है, तो मैंने उनको सुनने लगा, व्हाट्सएप नंबर कलेक्ट किया उनसे, व्हाट्सएप में बातचीत किया करा उस समय बहुत साल पहले,
बहुत बहुत साल पहले, तो ये 2013 के बाद होगा, 2013 भी नहीं, हाँ 2013-14 में। और फिर व्हाट्सएप नंबर ये सब कलेक्ट, मतलब 16 से लगभग उनसे बात करने लगा व्हाट्सएप पर। तो फिर उनके बाद फिर वो उनका वो आया, फिर मैं उनका फेसबुक से जुड़ा। ऐसे करते करते मैं उनको सुना, फिर किसी जैसे रामकृष्ण मिशन का जो महाराज होते हैं उनसे, वो जो हैं बेलूर मठ, अब नाम सुने होंगे। तो फिर उनके साथ मैंने मतलब उनके वीडियो वगैरह मैं देखता था। कहीं पर भी कोई भी सन्यासी मिल जाए, मैं उनको सुनता था, और मैं उनको मतलब उनसे कांटेक्ट करने का इच्छा था, पर कभी गया नहीं। वो आप कह सकते हैं कि थोड़ा वो था, मैं कहीं जाने में भी मैं मतलब वो मैं हेजिटेशन फील होता था। तो क्योंकि मैं वो भी नहीं कर पा रहा, मतलब करना चाह रहा था, पर ऐसे मन मन ही मन में, क्योंकि मैं छोड़ भी नहीं सकता घर, कुछ कारण है, उस कारण से मैं छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ। पर मैं ये कभी कभी सोच लेता हूँ कि घर बार सब छोड़ के मैं किसी जगह चला जाऊँ। पर बीच में फैमिली आ जाता है तो वो साहस में नहीं दिखा पाता था। फिर ऐसे करते करते इनको सुना उनको सुना, ऐसे करते ये सिलसिला जारी रहा। और इस्कॉन को मैं फॉलो करता था, तो ऐसे करते करते मैं फिर गुरुदेव आचार्य प्रशांत जी का वो एक वीडियो में मुझे मिला, तो वो वीडियो मैंने पूरा देखा एक दिन समय लगा। जब उनका वीडियो मुझे मिला वो साल 2019 का होगा, तो उस टाइम एक वीडियो उनका मिला 19, हाँ 19 का, 19 के अंत में, तो वो वीडियो मिला, तो मैंने उस वीडियो को देखा। और फिर मैंने स्किप कर दिया, मैं ठीक है अच्छा है, कभी कभार आता था देख लेता था ऐसा। फिर ऐसे बीच बीच में देखता था उनको, और ज़्यादातर मैं दूसरे संत या सन्यासी को देखता था, सुनता था, क्योंकि वहाँ परे वाला कॉन्सेप्ट था, मतलब कुछ है, या फिर उनका जो भक्ति जो है ना, एक पूजा करना, एक वो करना, तो ये मुझे अच्छा लगता था। और श्रद्धा पूर्वक किसी भगवान के बारे में सोचना, नाम जप करना मुझे अच्छा लगता था, पर गुरुदेव आचार्य प्रशांत में वो चीज़ नहीं था, तो मुझे थोड़ा अटपटा लगा, इसलिए कभी कभी देखता था कभी नहीं देखता था। ऐसे करते करते मैं 2021 से पहले, मतलब 2020 से अंत या 21 में होगा शायद, तब से उनको लगातार सुना, लगातार एक भी वीडियो में मिस नहीं करता था। मैं उनका एक एक दिन का पुराना वाला वीडियो जो है, ये मतलब जो आज रिलीज हुआ उसको तो मैं देखता ही था। और फिर उपनिषद के ऊपर उन्होंने जो भी बोले होंगे, तो उस चीज़ को मैं प्लेलिस्ट से ऐसे करके उस वीडियो को सुनने सुनना शुरू किया। हर एक दिन मैं उनका वीडियो नहीं सुनूंगा तो मैं रह ही नहीं सकता, मतलब ऐसा हो गया। और जब धीरे धीरे मुझे समझ बढ़ने लगा उनको उनको बातों उनके बातों से, जो जो मैं गलती करके एक ने जीवन भर आया, वो यहाँ मुझे बिल्कुल सामने दिखाई दिया कि हाँ ये तो गलती था, मुझे दिखाई दिख गया कि ये गलती है, ये मैं कर रहा हूँ, मेरा सारा मतलब वो हो गया। तो मैंने खुद को वहाँ से फिर जान मतलब और स्पष्टता से जानने को मिला, लेकिन इससे पहले भी मैं अपने आप को जानने का प्रयास किया। कभी कुछ चीज़ मुझे सताता था, कोई भावना कोई विचार, तो उसको मैं देखता था। लेकिन तब क्या होता था, मतलब शुरू में जब आचार्य प्रशांत जी को नहीं सुनता था,
तब मुझे ये होता था कि मैं कोई चीज़ को गहराई से समझ गया, फिर उस चीज़ को समझने के बाद फिर वो चीज़ दिमाग से आउट हो जाता था, फिर दोबारा वो चीज़ आ जाता था, क्योंकि वो चीज़ इसका मतलब कि पूरा पूरा नहीं समझ लिया, लगभग लगभग मेरे नज़र में तो मैं समझ लिया था पर पूरा नहीं समझा, तो फिर से दिमाग में वही चीज़ आता था। और कहीं वो चीज़ जहाँ से स्पष्टता मिलेगी तो उस जहाँ से मिलेगा उससे संबंधित और भी सारी चीज़ें हैं, तो उसके साथ मैं मतलब प्रकाशित नहीं हो पा रहा था, तो जिस कारण से पूरा समझ मैं तो उस चीज़ को समझ रहा था पर उसके साथ और भी सारे लिंक होता है, और भी सारे विषय, तो उस चीज़ को समझ ना पाने के कारण इसको समझेंगे तो उसको भी समझना पड़ेगा, उसको भी समझना पड़ेगा, सब चीज़ समझना पड़ेगा, तब जाकर के इस चीज़ को भी हम गहराई से समझ पाएंगे, तो ये चीज़ मेरे पास नहीं था। तो तब मैं इसीलिए बार बार एक विचार समझ लिया, फिर आज के दिन ठीक है, कल के दिन फिर से वही विचार आ जाता था। मतलब ये होता था। अब फिर क्या हुआ कि जब मैंने आचार्य प्रशांत सर को ऐसे करके सुना, सुनने लगा गुरुदेवाचार्य प्रशांत जी को, मतलब मेरा जीवन में बदलाव तो उन्होंने दिया। फिर मैंने जो भी मेरा मतलब वो था, डाउट था, सब क्लियर होने लगा। लेकिन कभी कभार उनका जो वो मुझे बहुत चोट भी किया, चोट करा, फिर एक दो दिन बंद भी कर दिया, फिर से दोबारा सुनो सुनना शुरू किया, ऐसा करता गया। मतलब मान लीजिए कोई एक वीडियो देखा और मुझे चोट पड़ा, मतलब चोट महसूस हुआ, तो जब चोट महसूस हुआ उस चोट के बारे में मैं सोचता था कि वो महसूस क्यों हो रहा है, तो मैं एक दो दिन बंद कर देता था, उनको वीडियो नहीं देखता था, फिर दोबारा चालू कर देता था, न, और जब चालू करता था 3 4 5 वीडियो एक बार में देख लेता था, पूरा दिन सुनता रहा उनको। ऐसे करते करते समय मेरा खराब उस अर्थ में आप कह सकते हैं कि पढ़ाई वढ़ाई तो, पर जो भी है मेरा मन को स्पष्टता वहाँ से मिला, और मैं जो डिप्रेशन का लेवल था वो बिल्कुल घट गया मेरा। कुछ चीज़ में मेरा फिर भी डिप्रेशन था पर वो भी धीरे धीरे गायब होने लगा। अब उनका एक बात मुझे गड़बड़ सा लगा कि उन्होंने उनका कहना था कि ऊंचा करो, मैं ऊंचा काम क्या करूँगा, मेरा मेरे लिए मेरा ऊंचा काम तो जो है वो तो मूल्य है नहीं समाज में। फिर उनका कहना है कि पैसा मिले ना मिले तुम वो करो, ऊंचा काम करो। अब ऊंचा काम कर दो, शरीर ही खत्म हो गया, ऊंचा काम करने गया देखा कि शरीर ही गायब, मतलब बिल्कुल संघर्षपूर्ण रास्ता। अब फिर मैं एक दो बार सोचा कि उनसे मैं मिलने जाऊंगा, उनके सत्र में जाऊंगा, तो वहाँ मैं जाने के लिए तैयार भी हो गया था, पर कहीं ना कहीं पैसे का थोड़ा वो दिक्कत आ रहा था बीच में, क्योंकि मेरे पापा का कैंसर भी हो गया था, उसी चीज़ को लेके पहले तो पापा का थोड़ा वो हो गया, मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे 2015-16 की बात है, उनका दिमाग मतलब होता है ना मेमोरी लॉस, तो वो हो गया था, फिर कैंसर पकड़ में आया, फिर उस अभी भी वो सिलसिला जारी है। तो जो भी है, तो मैंने वो सब जो भी है, तो ऐसे ऐसे करके मैं उनको सुनता रहा, ये करता रहा, और फिर बाद में मुझे वो उस समय में मैं सचित सर के साथ मिला, सचित सर से मेरा परिचित हुआ, सचित अवस्थी करके अब अगर देखेंगे तो यूट्यूब पर हैं उनका, तो
उनके साथ में फिर मैंने क्योंकि वो भी ऐसा है कि उनको मैं गुरुजी कहता हूँ, वो उनका योगदान मेरे जीवन में बहुत रहा। वो भी मतलब आचार्य गुरुदेव आचार्य प्रसाद के फैन थे, और कई कई मामलों में उन्होंने सही भी बोला और कई कई मामलों में गलत बोला, इसलिए मुझे वो अच्छे लगे कि हाँ मुझे भी दिखने लगा हाँ ये तो मैं भी जो सोचता था कि इनका भी वही कहना है कि हाँ यहाँ तो गलत, और वो गलत लग रहा था इसीलिए मैं चीज़ को सही से मान भी नहीं पा रहा था कभी कभी। तो उन्होंने वो जगह गलत बोल दिया तो मुझे मेरा सुलझा, उसमें मैं सुलझ गया थोड़ा। तो जहाँ डाउट था वो डाउट के कारण दिमाग में चलता रहा विचार, तो भी मेरा सुलझ गया। ऐसा करते करते अब 2023 के लगभग मिड होगा, तब तक मैं गुरुदेव आचार्य प्रशांत जी को सुनते ही अभी भी सुनता हूँ, अभी भी सुनता हूँ मैं उनको, और किताबें मेरे पास उनके उनका उनका जो किताब है मेरे पास है, लगभग किताब उनके बहुत सारे किताब हैं, और जो कि मैं इतना सारा उनका उनका किसी भी विषय के ऊपर बोलना इतना सुन चुका था कि मैं किताब में क्या होगा वो भी मैं जान मतलब है, वो भी पता है ऐसा करके। पर किताब होने से क्या होता है कि और अच्छे से दिमाग में बैठ जाता है, किताब एक अच्छी माध्यम है जानने का। ऐसे कोई बोल देगा दिमाग में ज़्यादा देर नहीं रहेगा, किताब पढ़ने से अच्छा रहता है। और फिर उनका वो जो था जो भी है, फिर मिड में सचिव अवस्थी सर का जो है मतलब वो एक वीडियो आपने चैनल पर अपलोड किया जहाँ झगड़े करते हुए दिखाई दिया, और मुझे मैं भी हाँ झगड़ा करना जायज है, ये क्या बोल रहे हैं आचार्य प्रसाद की विरोध कर रहे हैं और ऐसा बोल रहे हैं कि जिसको जो मिलेगा वो मिलेगा वो करते जाओ, जिसको जो सुख मिलेगा मतलब सुख भोग के ऊपर उनका कहना था। तो मैं भी उनकी बातों में मतलब मानने लगा कि हाँ गलत तो है। तो फिर मैंने उनको सर्च किया कि कौन है ये व्यक्ति। तो जब मैंने ऐसे करके उनका प्रेम जी शिरोही करके सर्च किया तो ULM का एक वो आया, तो मैंने सोचा कि ULM क्या है, ये चीज़ क्या है। फिर मैंने वो हो सकता है इनका एक वीडियो बहुत जगह क्या है कोई व्यक्ति का अगर बहुत जगह बहुत चैनल बना होगा, तो मैं सोचा कि वही ULM करके एक भी एक चैनल है, फालतू का चैनल है कुछ रखा नहीं है, ये सोच करके मैंने उस मतलब चैनल को पहले तो देखा नहीं कि यहाँ कितना एक दो वीडियो रहेगा। फिर दूसरे दिन या तीसरे दिन मैं जब फिर से देखा तो देखा कि वहाँ इनके तो बहुत सारे वीडियो हैं मौजूद, पहले तो एक वीडियो देखा था, फिर देखा तीसरे दिन देखा हाँ इनका तो बहुत सारा वीडियो है, और कहीं मतलब उन्होंने आचार्य प्रसाद के बारे में बहुत जगह मतलब उनको गलत साबित करने के लिए वो समीक्षा करते थे, और मुझे थोड़ा वो गलत लगा तो मैंने कुछ बोल भी दिया वहाँ। फिर एक वीडियो उनका देखा कि हाँ ये व्यवस्था से बोल रहे हैं, अच्छा तब मुझे समझ में आया कि व्यवस्था से बोल रहे हैं अच्छा, और मुझे सब कुछ नॉक कर गया जब उन्होंने एक वीडियो देखा मैंने कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। तो जब ये वीडियो देखा और मेरा जो धारणा था वो धारणा इनके साथ मैच हो गया, तो मैंने देखा नहीं बाहर व्यक्ति में तो दम है, जो कह रहे हैं ये सत्य ही होगा। तो फिर मैंने उनके वो वीडियो को थोड़ा बहुत देखा, लगभग पूरा ही देखा, करीब करीब 4 घंटे का वीडियो होगा, मैं ढाई ढाई घंटा तक देखा, 3 घंटा तक देखा। तो फिर मैंने देखा कि हाँ लोगों इनके बात में दम है, तो अब इनको फिर कैसे मैं मतलब न कर सकता हूँ। लेकिन आचार्य प्रसाद के बारे में समीक्षा करना मुझे पसंद नहीं था,
तो मैं विरोध करता गया, और इनके भोग वाले जो कंसेप्ट हैं इसको भी मैं सहन नहीं कर पा रहा था कि क्या बोल रहे हैं, भोग भोग जो चाहेगा सो मिलेगा, ये कौन से कंसेप्ट है। तो फिर मैंने विरोध में आकर के उनको भी, आप चैनल में जाएंगे तो देखेंगे मेरा कमेंट्स वहाँ भी पड़ा हुआ है, ये ऐसे मतलब कमेंट डालता था कि उन्होंने पूरा की पूरा एक शॉर्ट वीडियो ही मेरे ऊपर डाल दी, बना दिए कि आपको अगर इतना लिखना है तो आप फोन पर आकर बात कीजिए या ओपन मंच पर आकर के जो बोलिए। तो फिर उन्होंने ये बोले, और मैं उसमें भी जाने के लिए तैयार नहीं था। मैं उनको कहा कि आप यहाँ उत्तर दे दीजिए, नहीं तो फिर मैं वहाँ जाऊँगा फिर भी आप वही कहेंगे, आप बातों में मुझे फंसा लेंगे तो मैं अपनी बात रख नहीं पाऊँगा। तो जो भी है, ऐसे करते करते उनको सुना और वीडियो देखा, तो फिर मुझे पता चला नहीं, व्यक्ति में दम है, ये व्यक्ति सच में महान है, क्योंकि इनका पूरा जो अपना जीवन है, पहले तो इन्होंने 11 से 12 या इससे भी ज़्यादा साल उन्होंने अपने साधु संत के जीवन बिताए, और साधु संत बनने से पहले उन्होंने, वो एक अच्छे अभ्यर्थी भी थे, पढ़ाई लिखाई भी उनका काफ़ी, पढ़ाई लिखाई में भी उनका काफ़ी पकड़ था। मुझे लगा कि नहीं, ये व्यक्ति शिक्षित तो है, उसके बाद इन्होंने शिक्षा भी ली, उसके बाद इन्होंने अध्यात्म की तरफ बढ़ा, और बचपन में जैसे सुनने में आया कि बचपन में उनका रुचि था इस चीज़ में, इस फील्ड में उनका बहुत रुचि था, इसीलिए तो वो आगे जाकर के ये कदम उठाए, कि बहुत लोग, तो मैं भी कदम नहीं उठा पाए। आचार्य प्रशांत तो मेरे बारे में बोले, मतलब सब, मतलब ऐसे उनको सुनता गया 2 साल से 3 साल से, पर कभी भी परिवर्तन नहीं आया। मैं उनको करीब करीब 3-4 साल सुनते आ रहा हूँ आचार्य प्रशांत जी को, पर मुझे परिवर्तन नहीं आया, मतलब मैं छोड़ने का हिम्मत नहीं दिखा पाया, वो खुद छोड़ गए घर। तो ये बड़ी साहस की बात होती है, तो कुछ तो व्यक्ति में दम है, 11 साल साधु संत के जीवन में तो कुछ जानते ही होंगे फिर वहाँ का व्यवस्था के बारे में भी। और देखिए, जब कोई व्यक्ति ना पूरा समग्रता से कोई चीज़ देख लेता है, तो उनके अंदर से वो खुद को नहीं जानते हैं, वो यहाँ तक खुद तक सीमित नहीं रह जाते हैं, वो आगे की यात्रा तक भी निकल जाते हैं, जो बहुत मतलब सत्य के साथ रहते हैं, मतलब साथ देते हैं, या सत्य के प्यारे होते हैं, सत्य से प्रेम करते हैं, वो लोग खुद तक सीमित नहीं रहते हैं। इसलिए आप देखेंगे तो ऐसे गुरुदेव आचार्य प्रसाद का भी है, उन्होंने बचपन अपना वो करके सब कुछ पाते हुए भी सब कुछ ही है, खुद तक सीमित नहीं हो सबके, वो उनके फील्ड है कि वर्तमान व्यवस्था में कैसे लोगों को बाहर निकाला जाए। ठीक है, तो वहाँ व्यवस्था की बात नहीं होता है, अध्यात्म में व्यवस्था की बात कहीं भी नहीं हुआ है। सर्वप्रथम इन्होंने अपने प्रेम से एक व्यवस्था बनाने की, नहीं, लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं अध्यात्म जो है, ये लोग इसमें अरुचि क्यों हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल इनमें जगने लगा। और जड़ कहाँ है हम अध्यात्म की ओर, जो भी, क्योंकि उन्होंने 11 12 साल 14 साल उन्होंने संन्यास का जीवन बिताए, तो उनको सब पता था, और हम तो उनके ज्ञान के स्तर पर तो हम कुछ भी नहीं है, कीड़े मकोड़े हैं। तो ऐसे फिर उनको सुनने मिला, फिर जानने को मिला, फिर सच कहूँ तो उनको मैं उनके उनसे मेरा प्रेम हो गया। मुझे दो ही इंसान लगा, जो है सचित सर, दूसरा वो, मैं तो उनको डॉक्टर कहूँगा, PA फिलोसॉफी में डॉक्टरेट हैं, तो डॉक्टर प्रेमजीत सिरोही महान दार्शनिक हैं। तो ये हैं, अब हाँ जो है वो तो सबके सामने आएगा ही धीरे धीरे, तो ऐसा है। बाकी जो है,
व्यवस्था के बारे में मैं कभी बाद में वीडियो बना के, कभी एक एक वीडियो बना करके मैं कहने का प्रयास करूँगा कि वो सच में किस लिए अच्छे हैं। और मैं आपको बता दिया कि किस तरह किस मतलब किस तरीके से मैं एक एक कदम बढ़ा बढ़ा करके मैं उन तक आकर पहुंचा। और सच बताऊं, यही सच है। व्यवस्था देना, अगर आप देखेंगे तो आध्यात्मिक जो भी विचार हैं वो भी व्यवस्था ही देते हैं। जैसे अगर आप कृष्ण के समय जाएंगे, राम के समय जाएंगे, तो वहाँ क्या है कि वो भी अपने ओर से एक व्यवस्था ही दे रहे थे। जैसे कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध करवाए, तो वहाँ जो भी सारे पापी लोग हैं उनका नाश करके फिर एक व्यवस्था दे दिया ना। तो तब के समय का ये व्यवस्था था, आज कोई दूसरा व्यवस्था होगा, कृष्ण कोई और होंगे। तो ऐसे करके अगर आप जो भी है, मतलब कृष्ण कृष्ण है क्या, कृष्ण कौन है, भगवान क्या है, इस चीज़ में मैं बाद में कभी बात कर लूँगा। पर जो भी है, भगवान तो है ही, पर अलौकिक जैसे कोई चीज़ नहीं है। मैं उस चीज़ को बिल्कुल ना करता हूँ। और तो ये बात है। तो व्यवस्था हर बार आया है, चाहे वो सत्य युग हो, द्वापर युग हो, त्रेता युग, जो भी हो, जिस जिस युग में, कली युग, अब तो कली युग के टाइम है, अब तो कोई व्यवस्था चाहिए होगा। तो अब क्या है कि ये जो व्यवस्था, ये ही सच है। अब व्यवस्था की वजह से इतना सारा विकार हो रहा है। आप एक बार एक बात आप सोचिए, कोई अगर अपना मूल्य जब समाज से हट जाएगा, तो एक किसान, वो भी अपने काम में, जो सच में अभी तो किसानी भी, किसान भी किसान वाला काम करना पसंद नहीं करते हैं, या उनको बाध्यता से करना पड़ रहा है जबकि उनका इच्छा ही नहीं है। ठीक है, इच्छा नहीं है, एक तो शरीर उस अनुकूल नहीं है, पर फिर भी करना पड़ रहा है। या फिर इच्छा जिनका है वो ये सोच कर कर रहा है कि अरे यहाँ से कुछ मिलता नहीं है, सम्मान नहीं मिलता है। इच्छा तो उनका है, पर समाज के विकार के कारण उनका इच्छा भी गायब हो जाता है। पूरा पूरा इच्छा भी नहीं कर पाते, इच्छा तो है पर पूरा पूरा नहीं दे पाते हैं। इच्छा इच्छा को पूरा 100% जी नहीं पाते हैं, प्रेम से कर्म काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि समाज में विकार है। भाई मैं कर रहा हूँ, इससे क्या मिलेगा, 2 पैसा मिलेगा, लोग सम्मान नहीं देते हैं, यही सब विचार आएगा। और फिर जो लोग, तो इसलिए जो लोग नहीं है उस काम के लायक, वो भी इस फील्ड में आ जाता है। और जो लोग वास्तव में हैं वो भी दुखी हैं। फिर कभी कभी क्या होता है, उनका मन तो है काम करने में, फिर देखता है बाहर कुछ मिलता नहीं है इससे, तो वो भी अपना नौकरी वोकरी के खोज में बाहर इधर उधर निकल जाता है। उसमें भी शांति, क्योंकि वो उनका वो फील्ड ही नहीं है, तो उन्होंने वो काम करना शुरू कर दिया, कोई भी काम, सरकारी नौकरी जो भी है, करना शुरू कर दिया। पर खेती में उनका मन है, वही बात, वहाँ भी काम नहीं मिल रहा है, जो मन है, जो जो काम, वहाँ भी, यहाँ भी नहीं कर पा रहे हैं। इच्छा उनका सही से प्रकट ही नहीं हो पा रहा है, आनंद में नहीं रह रहा। देखिए, इच्छा गलत बात नहीं है, अगर आप अपनी इच्छा को सही रूप देना चाहेंगे, उसके ऊपर जो जड़ता है, जो भी सारे आवरण है, तो उस आवरण को जब हटा देंगे ना, तभी इच्छा एक प्रकाश की तरह आता है सामने, इच्छा एक आनंद की तरह व्यक्त होता है। नहीं तो फिर इच्छा भी लगेगा कि अरे इच्छा इच्छा भी दुख देता है। ऐसा है कि
नहीं तो इच्छा मजा देता है, इच्छा भी अटेंशन का कारण बन जाता है। हम कुछ भी करेंगे हम लोगों के ऊपर निर्भर हैं। इच्छा कुछ करेंगे, मान लीजिए खाने का इच्छा है, खान लिया, फिर भी उसको व्हाट्सएप पे कहीं भी डालना है, भाई खाने में मौज कर रहा हूँ, ये भी मुझे दिखाना है लोगों को। तो इच्छा भी वहाँ का इच्छा हो रहा है, इच्छा तो है पर लोगों को दिखाने के चक्कर में वो इच्छा भी गायब हो जा रहा है। मतलब व्यक्ति कहीं पर भी आनंदित नहीं है, ये आप लिख करके रखिए, आनंदित है ही नहीं। तो और फिर जो उनका जो किताब है उनके वहाँ जैसे आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ये होता है, जो हीन भावना जो व्यक्ति में होता है, और एक होता है कि मैं कुछ हूँ ऐसा करके। तो ये भावना यहाँ पैदा होता है, पर ये पैदा होने के चक्कर में ना व्यक्ति ये चीज़ कहाँ से आता है, मूल्य से आता है। और इस चीज़ को इस गहराई के साथ इस व्यक्ति ने, हम भी पहले सोचा करता था कि हाँ ये व्यवस्था होना चाहिए, पर भाषाओं में किस तरीके से इसको बोलेंगे कि ये होना चाहिए, और होना चाहिए इस पर हम ज़्यादा विचार ही नहीं कर पा रहे थे, डूबते ही नहीं थे। जानते क्यों? क्योंकि हम जब कोई व्यवस्था को व्यवस्था की इस व्यवस्था होना चाहिए ऐसे आदर्श समाज, इस आदर्श समाज के बारे में हम भी सोचते थे, पर इसको जानने के लिए वहाँ डूबना तो पड़ेगा। डूबने से ही पहले अरे ये तो काल्पनिक है, कभी होगा ही नहीं, यही होगा, फिर छोड़ो छोड़ो उस बात को, छोड़ो उस बात को, ज़्यादा सोचेंगे नहीं। तो ये होता था, और शायद बहुत लोगों के साथ ये हुआ होगा। तो इन्होंने इस चीज़ के ऊपर काम किया कि कल्पना जो है उसको हमको साकार करना है, जो कल्पना लग रहा है वो वास्तव में कल्पना नहीं है, वही सच है, लोग जानते नहीं है इसीलिए। और ये भाव उनके अंदर क्यों आया? क्योंकि उन्होंने इतना अपने अंदर धैर्य उनमें एक पूंजी की तरह संचित हो गया था, क्योंकि 11-12 साल या इससे भी ज़्यादा उन्होंने अपना संन्यास जीवन बिताया है। इससे व्यक्ति में संयम, धैर्य, सहनशीलता और सहानुभूति, प्रेम, करुणा और मैं क्या क्या शब्द बोलूँ, ये सब उनमें भर जाता है। तो इनका भी यही है, इसीलिए मैं जो समझता हूँ कि इनके जैसे व्यक्ति तो आज तक किसी को ना मिला होगा। भारतवर्ष को मैं इसलिए महान मानता हूँ कि देखिए भारतवर्ष में ही कृष्ण पैदा हुआ, राम पैदा हुआ, बड़े बड़े महान ऋषि मुनि पैदा हुए हैं, एक से एक। ठीक है व्यवस्था के बारे में, पर तब उस समय कालीन एक व्यवस्था होता है, वो व्यवस्था निर्माण करने की उन्होंने प्रयास किया अपनी ओर से। तो एक छोटा छोटा दर्शन है जहाँ से आपको देखने लगा कि हाँ व्यवस्था के बारे में लोग काम कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण भी काम कर रहे हैं व्यवस्था को निर्मित करने के लिए। तो ऐसे कितने कितने महान ऋषि संत, और अभी के टाइम पर अगर आप देखेंगे तो मैं तो सबसे ज़्यादा बेहतर मानता हूँ आधुनिक गुरुदेव स्वामी विवेकानंद को, वो मेरा बहुत फेवरेट है, एकदम फेवरेट इंसान। अब आप देखेंगे तो रामकृष्ण परमहंस, जितने भी सारे आप गुरुओं को देखेंगे ना, मतलब आप कबीर, संत कबीर को देखेंगे, फिर बाद में ओशो आए, रजनीश ओशो कहें, कृष्णमूर्ति कहें, जिद्द कृष्णमूर्ति कहें, या महर्षि रमन कहें, या अभी के टाइम पर गुरुदेव आचार्य प्रशांत जी हैं। तो कितने सारे, और सारे के सारे जो हैं भारतवर्ष से ही आए, और ऐसे ही एक एक ऐसे व्यक्ति यहाँ से उठ करके आया, मैं तो उनको कृष्ण मानता हूँ, वो हैं महान दार्शनिक सर प्रेमजीत शिरोही।
ये उनकी प्रेम से लिखा गया किताब है, प्रेम से मतलब प्रेम से प्रकाश करते हुए एक व्यवस्था उन्होंने दी है। ये उनका प्रेम है ऐसा मत समझिए कि एक किताब है, किताब तक उनको सीमित मत रखिए, ये उनका प्रेम से जगह है। कोई व्यक्ति इतना स्पष्ट हो, सबके लिए इतना करुणा वो रखते हैं, इतना सहनशील, इतना धैर्य कहाँ से आता है व्यक्ति को? प्रेम से ही जन्मता है सत्य की प्रति प्यार। वो तो खुद कुछ दिन बाद चले जाएंगे, चाहे वो 10 साल 20 साल या 25 साल या 30 साल जिएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा, या मान लीजिए 50 साल जी, 50 साल तो जी कैसे सकते हैं, 50 साल तो ऐसे ही बोल दे, तो मान लीजिए ऐसे 30 साल 20 साल जिएंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल, क्योंकि वैसे भी उनका उम्र कितना है मुझे मालूम नहीं, लगभग 60 के आसपास तो हो ही जाएंगे, या फिर वही 55 के आसपास। तो ये चीज़ जो है ना वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये व्यवस्था जो है ये कब पूर्ण रूप में, और ये चीज़ इनको भी पता है। एक ताज्जुब की बात है, ये है कि आप सोच रहे होंगे कि नहीं ये खुद महान बनने के लिए कर रहे हैं। भाई एक बात सोचिए, महान बनने के लिए कोई करेगा तो वो संन्यास जीवन बिता करके आए हैं, अब उनको महान बनने का इच्छा होगा क्या? वो ये भी जानते हैं भाई, हम जो आए हैं हम हमारा एक ही जन्म है, और जब जन्म लेने के बाद मेरा जो व्यक्तित्व है लौट कर के ना आएगा नहीं। हाँ पुनः जन्म होता है चेतना का, वो तो होता है, जैसे कि सचिव सर कहते हैं पूरा असेंबलिंग का है, मतलब ए से जेड तक पूरा जो है ढांचा, उसी में उसी प्रक्रिया में वो असेंबलिंग का प्रक्रिया चलता रहता है, चेतना का शरीर का सारे के सारे उस असेंबलिंग के अंदर ही चलता जाता है। तो ऐसे ही वो खुद भी जानते हैं कि भाई मैं जब मर जाऊंगा मैं तो वही व्यक्ति तो लौट कर तो आएगा नहीं, और पूरा मैं गया तो गया, और जो भी मुझे जानेगा वो भी चला जाएगा। तो जो जो चेतना किसी को जान करके कि नहीं इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति आया था, और फिर मतलब याद रखेगा, और याद रखेगा कोई, याद रखने वाला कोई हो तब ना, याद रखने वाला कोई ऐसा हो जो मतलब याद कैसे रखेगा? वो तो दिमागी वो तो खत्म ही हो जा रहा है ना, याद तो कहाँ रह रहा है, कुछ दिन तक याद रह रहा है उसके अंदर। तो ऐसे जनरेशन वाइज जाता जाएगा, याद मिटता जाएगा, फिर याद कोई और करने लगेंगे। जैसे आप खुदीराम बोस को कौन कितने लोग जानते हैं बताइए मुझे, जो पुराने आदमी हैं कितने लोग उनको जानते हैं? हाँ इतिहास तक वो सीमित हो गया है, पर उनको जानने वाला करने वाला कोई है नहीं, अभी तो उनको समझने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि व्यवस्था इतना पहले से बेहतर हो गया है, स्वाधीन हो गया है भारत, अब तो उनको जानने, उनकी परिस्थिति, उनका उनका जो चेतना किस तरह, ये जानने में कोई किसी को रुचि नहीं है। तो इसलिए वो ऐसा बात नहीं है कि वो अपने नाम के लिए कर रहे हैं, तो ऐसी बात भी नहीं है। उनको आप सुनिए, जाइए फिल्म हिंदी पर जाइए, ठीक है? तो बस आज इतना तक, अगर कभी आके कुछ बोलना होगा तो मैं बता दूंगा, मैंने बोलूँगा मैं, ठीक है? कोई भी एक टॉपिक उठा करके फिर बोलेंगे, और इस बारे में भी बोलने का इच्छा मुझे होगा कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, पर पूर्व निर्धारित में क्या कुछ सही किया जा सकता है उस पे हमें ध्यान दिया जाना चाहिए। इस पर मैं कुछ एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? ओके, धन्यवाद।